इस मौसम का इंतजार मैंने इसलिए किया माहे रमजान में जहां बहुत सारी इबादतों की अहमियत है वहीं पर दुआ और इस्तग़फ़ार की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये दुआ अल्लाह से मुनाजात करने का एक तरीका है और ये दुआ का रास्ता, ये दुआ का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। खुसूसी तौर पर रमजान मुबारक के महीने में दुआ और इस्तग़फ़ार की कुछ ज्यादा ही अहमियत है। इस अहमियत को देखना हो तो आप कुरान मजीद सूरतुल बकरा को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के अहकाम और मसाइल को बयान फरमाया और रमजान मुबारक के अहकाम और मसाइल बयान करते हुए उसी बीच में दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर दुआ का जिक्र किया। कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 खुतबे मस्नून के बाद मैंने आयत करीमा पढ़ी। इता सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनि फलयस्तजिबूली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बड़ी प्यारी आयत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे सवाल करें। ये रमजान के अहकाम और मसाइल के बीच में दरमियान में इस चीज को जिक्र किया जा रहा है। इससे उम्मत के आलिमा और मुहद्दिसीन ने इस्तिंबात किया है कि रमजान में चूंकि दुआ की बहुत खास अहमियत है इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर रमजान मुबारक के अहकाम और मसाइल के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ का जिक्र फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछे जाए सवाल किए जाए दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मेरे बारे में पूछे लो तो आप कह दीजिए मैं करीब। एक जगह अल्लाह ने कहा कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे शहे रग से भी ज्यादा करीब है। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआ, जब वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह की जात वो जात है कि उनकी पुकार को अल्लाह तबारक व तआला सुनता है कबूल करता है। फल यस्तजीबूनी वलयुमिनू बी, ऐसे में लोगों को चाहिए कि मेरी बात मान लिया करे, अल्लाह के हुक्म को मान लिया करे। वलयुमिनू बी, और मेरे ऊपर ईमान भी रखा करे। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर खुसूसी तौर पर दुआ का जिक्र फरमाया। इससे यह समझ में आता है कि दुआ का ताल्लुक रमजान मुबारक के महीने से बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें और आपको रमजान के महीने में कसरत से दुआ करनी चाहिए, कसरत से दुआ करनी चाहिए। अभी पूरा महीना खत्म नहीं हुआ, अगर दुआओं में कोताही हुई है, इस्तग़फ़ार में कोताही हुई है, अभी चंद लैलतुल क़द्र भी बाकी है, चंद अय्याम भी बाकी है, चंद लम्हे भी बाकी है, अल्लाह की कसम दुआएं करके इस्तग़फ़ार करके हम अपने रब को राजी कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के हवाले से हदीस है, तीन लोगों की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता है। दावत-उस-साइम, रोजेदार की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। अल्लाह के बंदे रोजे से आपको ये रमजान का मौका मिला है, आपको रब ने आपको गारंटी दी है कि रोजे की हालत में तुम दुआ करोगे, रब तुम्हारी दुआएं दुआ के ताल्लुक से गारंटी
दुआ कबूल हो करके रहेगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा। मुताबिक मजलूम, जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है उसको मजलूम कहा जाता है। किसी भी मुसलमान को किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, हमेशा अदल से काम लेना चाहिए, हमेशा इंसाफ से काम लेना चाहिए। नहीं तो जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है वो मजलूम जब रब के सामने हाथ फैलाता है उनके दिल को असीयत और ठेस पहुंचती है और उनके दिल से जब आह निकलती है तो उनके आह के दरमियान, उनके दुआ और रब के दरमियान कोई हाइल नहीं होता है। अल्लाह ऐसे मजलूम की दुआ को डायरेक्ट सुनता है और उसकी दुआ को कबूल करता है। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हम जुल्म कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आना की वजह से, सिर्फ सुखरुई के लिए हम किसी के ऊपर जुल्म ना करें। कोई अपने भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई अपने भतीजे के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई अपने मुलाजिम के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई अपने स्टाफ के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई किसी कमजोर के ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सकात देते हो, हज करते हो, नेकियां करते हो, इन तमाम के तमाम नेकियों का मकसद यह है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा आ जाए। और ये तुम जुल्म क्या करते हो, ज्यादती क्या करते हो, दुनिया के अंदर भी नाकाम हो जाओगे, आखिरत के अंदर भी नाकाम हो जाओगे। मुसाफिर, मुसाफिर जब सफर में होता है, ईमान वाले बंदे, नेक बंदे जब सफर में होते हैं, कोई भी मुसलमान जब सफर में होता है तो मुसाफिर की बड़ी अहमियत है। सफर में इंसान टाइम पास करता है, सफर में इंसान हेडफोन लगा करके गाना सुनता है, सफर में इंसान फजूल बातों में टाइम निकाल देता है, खर्च कर देता है। लेकिन एक मुसाफिर की अहमियत इस्लाम के अंदर इस कदर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसाफिर जब सफर करता है, चाहे ट्रेन में सफर करता हो, बस में सफर करता हो, एरोप्लेन में सफर करता हो, टू व्हीलर में सफर करता हो, सफर की हालत में जब रब से दुआएं करता है, रब करीम ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल करता है। समझो इस चीज को, नोट करो इस चीज को कि दुआ की कितनी अहमियत है। साइम रोजेदार की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। मेरे भाई, रोजे की हालत में कसरत से दुआ करो। रमजान का महीना वो महीना है, हमने तो वैसे कदर नहीं किया जैसे कदर करनी चाहिए थी, वैसी इबादतें भी हमसे नहीं हो पाई जैसी इबादतें करनी चाहिए थी, वैसा कयाम नहीं हो पाया जैसा कयाम हमें और आपको करने चाहिए थे, वैसा रोजा हमसे नहीं हो पाया जैसा हम आपको रोजा रखने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमें और आपको अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, रब से दुआएं करें। दुआ की इतनी बड़ी ताकत है। रमजान का महीना होता है, अल्लाह बहुत सारे मुसलमानों को, बहुत सारे लोगों की कर्तनों को जहन्नम से आजाद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन तिर्मिजी और इब्ने माजा के हवाले से, वलिल्लाह उतखारु मिनन नार वदालिका फी कुल लैलतिन, रमजान के हर रात में रब्बुल आलमीन अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल करता है, उनके गुनाहों को माफ करके, उनके कदमों को जहन्नम से आजाद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करता है। अल्लाह के बंदो, हम और आप इस महीने में खुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह हम गुनहगार बनते हैं, हम खताकार बनते हैं, हमने सही से रोजा तो नहीं रख पाया, सही से कयाम तो नहीं कर पाया, सही से इबादतें तो नहीं कर पाए, सही से तिलावत भी नहीं कर पाए, लेकिन अल्लाह तेरे दरबार में हम दुआएं करते हैं और सजदे में भी दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गर्दन को, हमें और आपको जहन्नम से आजाद कर दे। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में हमें जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे और हमारे गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दे। यही असल कामयाबी है मेरे भाई। किसको कहते हो कामयाब? घर बना लिया आपने, ये कामयाबी आपके लिए है? महल बना लिया, ये आप कामयाबी समझते हैं? बहुत बड़ी गाड़ी ले ली आपने, VIP, आप क्या समझते हैं कि कामयाब हो गए? दुनिया के अंदर इज्जत मिल
पति को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया। फकत खास वही कामयाब है। तो अगर इस रमजान में हमने दुआएं की और रब हमारी दुआ को रद्द नहीं करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह हमको जहन्नम से, हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, यही तो असल कामयाबी है। और बाकी सब जितनी चीजें हैं दुनिया की चीजें हैं, अमल हयात दुनिया इल्ला बताओ करो, सब धोखा है, खत्म हो जाएगी, दुनिया में रह जाएगी, कोई भी चीज आपके साथ जाने वाला नहीं है, बस आपका नेक अमल जाएगा, यही रोजा जाएगा, यही नमाज, यही रोजा, यही हज, यही ज़कात, यही सदका, यही नेक अमल आपके साथ जाएंगे और जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं चीजों से बचाएगा। ये महीना दुआ के साथ साथ मगफिरत का महीना है, मगफिरत का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शकी अब्द बदनसीब है वो आदमी अल्लाह को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर नकल किया है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शकी अब्द अदरक रमज़ान फंसलह, जिन्होंने रमजान मुबारक के महीने को पाया, बदनसीब है वो आदमी जिन्होंने रमजान मुबारक के महीने को पाया और यूं गुजार दिया, वलम युग्फर लहु, और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका, वो नाकाम हो गया, वो महरूम हो गया, वो बदनसीब है, वो बदबख्त है। कामयाब तो वही है जिन्होंने रमजान मुबारक के महीने को पाया और रब के सामने आंसू बहाए, रब के सामने दुआएं की, रब के सामने इस्तग़फ़ार किए, अपने गुनाहों की माफी करवा लिए, यही असल कामयाबी है। आए हम और आप अपने आप का मुहासबा करते हैं, आए हम और आप अपने आप का जायजा लेते हैं, अपने अमाल के ऊपर गौर करते हैं। ये रमजान का महीना गुजरने वाला है, हमसे जाने वाला है, हमसे रुखसत होने वाला है, बताओ हमने कितनी दुआएं की हैं, बताओ हमने कितने इस्तग़फ़ार किए हैं, अल्लाह के सामने कितने आंसू बहाए हैं और कितने गुनाहों को याद करके हमने अपने रब के सामने निदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया। मुहासबा, हम मुहासबा करें, आप मुहासबा करें, मर्द मुहासबा करें, औरत मुहासबा करें, हर आदमी मुहासबा करें कि हमने रमजान में क्या खोया और क्या पाया। रमजान तो दुआ और इस्तग़फ़ार का महीना है, कितनी दुआएं हमने की और कितने इस्तग़फ़ार किए। आओ अभी भी मौका है, अभी चंद अय्याम बचे, लैलतुल कद्र के चंद अय्याम भी बचे हैं। शबे कद्र के ताल्लुक से, लैलतुल कद्र के ताल्लुक से अम्मा आयशा सवाल करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिर्मिज़ी और अबू दाऊद के हवाले से हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? तो इस्तग़फ़ार के कलमात सिखाते हैं। कितना प्यारा जुमला है, कितना प्यारा कलमा है, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني عائشة اگر تمہیں شب قدر مل جائے لیلۃ القدر مل جائے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے انك عفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو محبت کرتا ہے माफ करने वालों से खुश होता है। तो हे कुल अफवा फाफ अन्नी अल्लाह, हम अपने गुनाहों को लेकर आए हैं, हम अपने गुनाहों पे नाज़िम और शर्मिंदा है, अल्लाह मेरे गुनाहों को तो माफ करवा देना। जब बंदा रोजे की हालत में दुआ करता है, वो भी लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र की रात में जब दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता है। इस मौका को गनीमत समझना चाहिए और कसरत से हमें और आपको दुआ करनी चाहिए। رب کہتا ہے قرآن مجید پڑھئے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے نوجوانوں ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کہا جا رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کا آدر ہے وقال ربکم رب کا فرمان ہے رب کہتا ہے کہ تم دعا کرو اپنے پروردگار سے ادعونی استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا مانگو دعا دعا کے آداب بھی سکھائیں ہمیں دعا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے
मदद तलब करने हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला कहते हैं, जब बच्चे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी में बैठे हुए थे, बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे और उन बातों के दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ताल्लुक से भी मुझे सबक दिया, इज़ा सालता फसअलिल्लाह अय्युल्ला, जब तुम दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, किसी और के सामने दुआ मत करना, किसी और से तलब मत करना, दुआ करने की जरूरत पड़े तो तुम अपने रब से दुआ करो, फस्तईन बिल्लाह, और कभी मदद की जरूरत पड़े तो रब के सामने हाथ फैलाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अकीदा भी इस्लाम हमें और आपको सिखा रहा है कि हम अल्लाह से मांगे, मदद भी मांगे तो अल्लाह से, दुआ भी मांगे तो अल्लाह से, अपने बच्चों को ये तालीम और तरबियत दे, अपने अहल वयाल को ये तालीम और तरबियत दे कि गैरुल्लाह के सामने अपने सर को ढकेंगे, गैरुल्लाह के सामने अपने हाथ को कर फैलाएं, मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगे, और सवाल करने की जरूरत पेश आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करें। कुरान मजीद को पढ़ें, तिलावत तो करते कभी तर्जमे के साथ भी पढ़ा कीजिए, कभी उलमा की रहनुमाई में भी कुरान पढ़ा कीजिए, उलमा की सहबत में कुरान को समझा कीजिए, अल्लाह की कसम इतना मजा आएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कुरान पढ़ने से, कुरान समझने से आपको इतना लुत्फ आएगा कि जिंदगी की सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम को सलाम इंसान खता और इस्तियार का पुतला होता है, अल्लाह को यह बताना भी था, यह मकसद भी था, यह पैगाम देना भी था कि इंसान जो होता है वो भूल चूक का मालिक होता है, खता और इस्तियार का पुतला होता है। हमारे बाप से आदम अलैहि सलाम से लड़की हुई आ गए, पल को शैतान की बहकाए में आ गए, लड़की हो गई, लेकिन एक मोमिन को जब गलती होती है, एक अल्लाह वाले को गलती होती है तो फौरन निदामत और शर्मिंदगी होने लगती है, ये अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, क्या गलती मुझसे हो, चैन नसीब नहीं होता है। आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शर्मिंदगी की वजह से उन्हें चंद कलिमात सिखाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-आराफ को पढ़िए, आयत का नंबर 23 है, दुआ करते हैं رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے تو ظلم کر لیا ہے، ہم دونوں شوہر بیوی وائف ہسبینڈ سب لوگوں سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری غلطیوں کو تو نے اگر معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہمارے اوپر اگر رحم نہ کیا، معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی غلطی پر ناگہان کو شرمندہ ہے تو ہماری غلطی کو معاف فرما، اتنے بڑے پیغمبر ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کو مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے، انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے چلیے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلطی ہو گئی، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے رب سے کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اسے بچا لے، یہ میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا نوح تو غلطی کر رہا ہے، یہ نوح تیرا یہ بیٹا تیرا نا فرمان ہے، اور یہ نا فرمان بیٹا تیرا اہل میں سے نہیں ہو سکتا ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیسے دعا کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، رب سے کہا اللہ غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دینا، رب نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا۔ یہاں بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ جب آدمی سے غلطی ہو تو فوراً نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جا رہے تھے دو لوگ لڑ رہے تھے، چھڑانے کے چکر میں ایک کو مارا ایک کو، ایک گھوسا لگایا تو بچارا مر گیا، یہ ایسی غلطی ہوئی کہ غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگی، یا اللہ یہ میں نے کیا
अल्लाह मुझे माफ फरमा देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ दुआ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बी इन्नी ज़लमत नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मेरे नफ्स के ऊपर अपने नफ्स के ऊपर ज़ुल्म कर लिया, अल्लाह तू माफ फरमा देना। अल्लाह ने माफ फरमा दिया। बड़ी बड़ी मुसीबतों से अल्लाह निकाल देता है। दुआ की ताकत, इस्तग़फ़ार की ताकत हमने कहां से उठा? हम तो बहुत हल्के में हमने लिया है दुआ। कर लो भाई दुआ, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते। अरे जरा दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। आप नमाज ही नहीं पढ़ते हो, रोजा ही नहीं रखते हो, दीन पर चलते ही नहीं हो और दुआ करवाते चलते हो। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज और सब्र के जरिए मदद चाहो। तुम्हें पहले नमाज की अदायगी करनी होगी, मुसीबत तक तुम्हें सब्र करना होगा, फिर उसके बाद दूसरों से भी कहो कि हमारे लिए दुआ करो। परेशानियों का हल है दुआ की इतनी ताकत। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया के अंदर बयान फरमाया। निकल गए अल्लाह की बगैर इजाजत के, गलती हो गई, अपनी कौम से अलग हो गए, समंदर में पार होने लगे, कश्ती में सवार हो गए, मछली ने निगल लिया यूनुस अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि इसे हजम मत करना। क्या अल्लाह का निजाम है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम है? मछली के पेट में चले जाए इंसान तो क्या बच सकता है? किसी जानवर के पेट में इंसान चला जाए तो क्या बच सकता है? लेकिन वो अर्श वाले ने मछली को कहा कि खबरदार, मेरे यूनुस को तूने निगल लिया है, अपने पेट में महफूज रखना, खबरदार उसको कोई खरोच नहीं आना चाहिए। ये यूनुस अलैहिस्सलाम को गलती का एहसास हुआ, ये अल्लाह ये तो बड़ी गलती हो गई मुझे, मुझे निकलना नहीं चाहिए था और मैं निकल गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व नादा फिस्सुलमा, अल्लाह को फरमाया नादा फिस्सुलमा, कई तारीखियों के अंदर, समंदर की तारीखी, रात की तारीखी, मछली के पेट की तारीखी, सुलमा दर सुलमा, अल्लाह पर तारीखियों पर तारीखी पर तारीखी, अंधेरे पर अंधेरे, और इतने अंदर से इतने अंधेरे से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? कसम मछली के पेट में जब दुआ और इस्तग़फ़ार करते हैं तो उस मछली के पेट से, समंदर से, रात की तारीखी से निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात देते हैं। फस्तजबना लहु, कुरान कहता है फस्तजबना लहु, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, उनको वहां से निकाल लिया, खरोच नहीं आया यूनुस अलैहिस्सलाम बचा लिया। किसने बचाया? दुआ ने। किसने बचाया? इस्तग़फ़ार ने। जिंदगी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो और रब को राजी करना चाहते हो, दुआ और इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है। बीमार हो गए, बहुत माल थे आपके पास, जायदाद थे, माल थे, औलाद थे, कसरत से माल औलाद थे, सेहत तंदुरुस्ती थी, रब ने आजमाइश में डाल दिया। आज जुम्मा जुम्मा आठ दिन क्या हुआ, नमाज पढ़ते हैं परेशानी आ जाती है, पता नहीं कैसे मेरे ऊपर परेशानी आ गई, नमाज भी पढ़ते हैं, जुम्मा भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, कुरान भी करते हैं। अल्लाह के बंदो, जितना ईमान जितना पुख्ता होता है बंदा का, अल्लाह उतना सख्त उस बंदे को आजमाता है। अंबिया इकराम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया, बड़ी बड़ी आजमाइश में डाला। अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल छिन गए, दौलत छिन गई, सेहत छिन गई, जितने औलाद थे सब खत्म हो गए, शोहर और बीवी बच गए, बीमारी में इस कदर मलबिस हो गए, इतनी सख्त बीमारी आपके ऊपर, कई बीमारियों ने आके घेर लिया कि हकीमों ने डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम लोगों से नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखो अल्लाह के बंदो, जब कोई डॉक्टर, जब कोई हकीम कह देता है कि अब मेरा, मैं अपना हाथ खड़ा कर देता हूँ और मैं कोई इलाज नहीं कर पाता हूँ, सारे दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं, दवा काम नहीं करने लगता है, तो रब से जब दुआएं करता है तो वही दुआ उनके लिए काम आता है, वही दुआ उनके लिए काम आता है। और कितने दिन तक दुआएं किए मालूम है आपको?
17-18 साल से बिस्तर पर रहे और दुआएं करते रहे। 17-18 साल तक मफसरी ने क़िराम ने लिखा है, इस लंबी मुद्दत तक दुआएं करते रहे, दुआएं करते रहे, दुआएं करते रहे। सब्र अय्यूबी कुरान और आप देखें, कुरान पढ़ करके हम और आप मुशाहिदा करें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कैसा था। 17-17 साल तक 18-18 साल तक दुआएं करते रहे, हम जब बीमार हो तो इस दुआ को पढ़नी चाहिए। कहा रब को पुकार, अल्लाह मुझे बीमारी हो गई है, मुझे बीमारी लग गई है, मैं बीमार हूं, लोग मुझसे भागने लगे। तुलहर करने वाला सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह तो मेरे ऊपर काम करवा। 17-18 साल के बाद अल्लाह को बुला लगे कर चंद दिन होते हैं हम तंग आ जाते हैं, यार इतनी दुआएं करते हैं, मेरी दुआई बोली दुआई बोली बोली। अल्लाह की बंदो कसरत से दुआ करो, कसरत से दुआएं बंदे की कबूल होती है। रमजान हो, गैर रमजान हो, यानी पाते के खुसूसी तौर पर रमजान के महीने में रोजे की हालत में जब बंदा दुआ करता है तो रब उसे मदद नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द नहीं करता है, करता है अल्लाह। कभी कभी फौरी तौर पर अल्लाह हमारी दुआ को सुन लेता है, कभी कभी फौरी तौर पर दुआ कबूल नहीं करके आने वाली मुसीबत को डाल देता है। इस तरीके से अल्लाह कबूल करता है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं दे करके आखिरत के लिए जखीरा जमा करके रखता है और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला इनायत करता है। ये दुआ की कबूलियत के तरीके या असबाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुआ की जरूरत पड़ी तो अल्लाह से दुआ की औलाद तलब की, अल्लाह ने औलाद खुदा होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम रोए हो गए थे, मरियम के पास देखा कि अल्लाह के कोसों फल दे सकता है, रब से दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में औलाद देते। अंबिया इकराम के वाकयात पढ़िए, भाई आपको अंदाजा होगा कि दुआ क्या चीज है, दुआ क्या चीज है और दुआ की क्या ताकत है। हम जिस नबी की उम्मती है अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं क्या कुछ है। हमारे नबी, हमारे पैगंबर दुआएं करते थे और ऐसी ऐसी दुआएं कि अम्मा आयशा कहती है कि रात में जब सजदे में जाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक नहीं जाती थी। अम्मा आयशा कहती है कि जमीन के लिए हो जाती थी। नबी का ये हाल था। आज तो कतरे हमसे आंसू नहीं पड़ते अपने गुनाहों को याद करके, अपने खताओं को याद करके। नबी का ये हाल था कि रोते रोते अपने दाढ़ी भीग जाती थी, जमीन गीली हो जाती थी। सही मुस्लिम के हवाले से हदीस है कि रात में कयाम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़ारों के दार होते हैं और उसके बाद जो है अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठा करके उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, हमारे इमाम बहकी ने इस वाकी को नकल किया है।
अब्दुल्ला बिन जहश और साद बिन अबी वक्कास हमारे असलाम को दुआ से कितने लगाव थे अल्लाह पर, कितने लगाव थे। आज हमको फुर्सत नहीं है, बातें बनाते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, टाइम पास करते हैं। अल्लाह की बंदो वक्त मिलता है तो दुआएं कर, इस्तगफार कर, अल्लाह की कसम जहन्नम से बच जाओगे, यही असल कामयाबी है। दो सहाबी है, इमाम बहनी ने रकम किया है, अब्दुल्लाह बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु और साद बिन अबी वक्कास, दोनों बड़े दोस्त थे, कितने अच्छे दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। मदीने के अंदर कल जंगे उहद होने वाली है और आज मदीने के अंदर दोनों दोस्त से मुलाकात होती है, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्लाह बिन जहश। अब्दुल्लाह बिन जहश कहते हैं कि साद, कल जंग में जाना है? हाँ मेरे दोस्त, जंग में जाना है। जब हम लोग दुआएं करते हैं, कैसी दुआएं मेरे दोस्त? जब हम कुछ दुआएं करते हैं, मैं दुआ करूंगा तुम अमीन कहना और तुम दुआ करोगे मैं आमीन। चले जाते हैं मदीने के किनारे और किनारे जाकर के दुआएं करते हैं। साद बिन वक्कास कहते हैं कि मैं पहले दुआ करता हूं, अल्लाह का जंगे उहद होने वाला है, कल जंगे उहद होने वाली है, अल्लाह कल का ऐसा मौसम कर दे कि मैं मैदान में जंग में कूदूं, मेरे मुकाबले में काफिर आए, एक दुश्मन आए, ताकतवर हो, मजबूत हो, मुस्तहकम हो, लड़ाकू हो, अल्लाह उससे लड़े, मैं उससे लड़ूं, वो मेरे ऊपर हावी हो जाए, मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊं। अल्लाह नतीजा ये निकले कि मैं उस दुश्मन को, मैं उस काफिर को कत्ल कर दूं, जंग से मैं काफिर बन करके, मैं जीत करके मैं घर लौटूं, अल्लाह तो मेरी दुआ को कबूल फरमाना। अब्दुल्लाह बिन जहश कहते हैं अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह मेरे भाई की दुआ को कबूल फरमाना। कहते अब्दुल्लाह बिन जहश, अब तुम दुआ करो, तुम्हें क्या करनी है? अब्दुल्लाह बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हैं, कहते अल्लाह कल जंगे बदर में जब जाना होगा तो ऐसा माहौल बना देना कि दुश्मन मेरे से लड़ने के लिए आए, मैं उससे लड़ूं, हम मेरे से लड़े, मैं उनको पछाड़ूं, वो मुझको पछाड़े, मैं उनके ऊपर हमला करूं, वो मेरे ऊपर हमला करे। अल्लाह आखिर में नतीजा ऐसा निकाल दे कि दुश्मन मेरे ऊपर हावी हो जाए और मुझको कत्ल कर दे। अल्लाह मैं शहीद होना चाहता हूं, अल्लाह ऐसा कत्ल करे कि मेरे नाक को काट डाले, मेरे कान को काट डाले, मेरे जिस्म के आधा को मुसला कर दे। अल्लाह कयामत का दिन होगा तेरे सामने जब मेरी पेश होगी और तू जब पूछेगा कि अब्दुल्ला दुनिया के अंदर ये आंख तुम्हारी कैसे फूटी, ये कान तुम्हारे कैसे कटे, ये नाक तुम्हारा कैसे कटे, ये उंगलियां तुम्हारी कैसे कटी, तो अल्लाह उस वक्त में तुझे जवाब दूंगा अल्लाह तेरी रजा के। तेरे राह में निकला था, जंग में निकला था, जिहाद के लिए निकला था और तेरे राह में मैं शहीद हो गया। क्या फिक्र था उनको, दुआ का मकसद क्या था कि मेरी आखिरत संवर जाए? ये दुआ का मकसद था। हमारे असलाम दुआ से इस तरह लगाव रखते थे, आज हमें और आपको दुआ से फुर्सत नहीं है, हमें और आपको दुआ करनी चाहिए। दुआ के अंदर निजात है, दुआ के अंदर निजात है, इस्तगफार के अंदर निजात है। हमें और आपको कसरत से दुआएं करनी चाहिए। आदमी मजबूर होता है, बेकस होता है, मजबूर होता है और मजबूरी की हालत में, परेशानी की हालत में, बेकरारी की हालत में कराहते हुए जब अपने रब को पुकारता है, रब कहता है अम्मा युजीबुल मुस्तजीबा दुआहु व यक्शिफु सु। जब तुम मजबूरी की हालत में, बेकरारी की हालत में अपने रब को पुकारते हो, कौन है जो तुमको परेशानी से निकालता है, कौन है जो तुमको बेकरारी से निकालता है? भूल गए उसी को, बिस्तर में करा रहे थे मैंने तुम्हें निकाला, जान जाने वाले भी मस्जिदों में दुआएं हो रही थी और आज सेहत और तंदुरुस्ती वापस लौट गई तो भूल गए अम्मा युजीबुल मुस्तजीबा वो एक से दस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी परेशानी को दूर किया और तुम्हें निजात दिया। मेरे भाई, जब कोई दवा काम नहीं करता है तो दुआ काम करता है, दुआ को अपना हथियार बनाओ। मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है, वो रब होता है कि अर्श वाला
अर्श पर बैठ करके हमारी और आपकी मदद करता है। और रब को मनाना मेरे भाई बड़ा आसान है, दुनिया के अंदर सबसे आसान काम। मौत करो इस मौत को, समय के हुरूम से निकलो। दुनिया के अंदर सबसे आसान काम है अपने रब को मनाना। रब उठा हो बहुत मुश्किल नहीं। आओ अपने गुनाहों को लेकर अल्लाह ने फरमाया जितना भी तुम गुनाह कर दिए हो ना तक तू मेरे पास मत ला। आओ मेरे पास गुनाहों को लेकर दुआ करो, अपने गुनाहों से इस्तगफार करो, रब को मना लो। वो रब बहुत जल्द मान जाता है। तुम चंद कतरे आंसू बहा दो, रब के सामने हाथ फैला लो, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाओ, वो रब सारे गुनाहों को माफ करके पसंद कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर इस कदर रहम करता है कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल भी देता है। ये रब करीम का वादा है, ये रब का काम है। आज भाई साहब कोई दोस्त अगर घुस जाए तो मनाने में बड़ा टाइम लगता है। यार मान जाओ ने गलती हो गई, नहीं यार तुमने गलती की है, नहीं मानी क्या। रिश्तेदार घुस जाए तो मनाने में बड़ा टाइम लगता है, महीनों और सालों लग जाते हैं। हमारे बच्चे अगर उठ जाते हैं तो बच्चों को मनाने में टाइम लगता है। वो टॉफी दो, उनको सहलाओ, उनको घुसलाओ, उनको खिलाओ, उनको घुमाओ, तब जाकर के हमारा बच्चा राजी होता है। और बीवी उठ जाए तो बच्चों बीवी उठ जाए तो मनाने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं और मनाना ही पड़ता है। बीवी कभी सॉरी नहीं बोलती। देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, इनकी फितरत है। वो गलती करेंगे लेकिन गलती का इकरार नहीं करेंगे। आप ही को गलती मानना पड़ेगा, आप ही को सॉरी कहना पड़ेगा। मनाने में टाइम लगता है, बता दो मकसद ये है कि बीवी को मनाने में टाइम लगता है, बच्चों को मनाने में टाइम लगता है, दोस्तों को मनाने में टाइम लगता है, रिश्तेदारों को मनाने में टाइम लगता है। लेकिन रब को मनाना इतना आसान है कि लाओ अपने गुनाहों को लेकर के पहाड़ और समंदर के बराबर तुम्हारे गुनाह है, रब के हुजूर में आओ, अपने दामन आंखों में जगह दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को खत्म कर देगा और तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कसरत से दुआ और इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान के चंद अय्याम बचे हैं, लैलतुल कदर की भी चंद रातें बची हैं। अल्लाह हमें कसरत से दुआ करने और इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए और आपके लिए जरूरत है कि जो चंद अयाम बचे हैं, चंद लम्हे बचे हैं, इसे कीमती समझते हुए, गरीबत समझते हुए, दुआ करते हुए खुशकिस्मत में अपना नाम लिखाएं, अपने गुनाहों को माफ करें। पता नहीं आइंदा साल हमें रमजान मिले ना मिले, ये अल्लाह ही जानता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम और आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन व मा अलैना इल्लल बला। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व रफ़अना बिहि रब्बिल आलमीन। لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اہم ضروری اعلان یہ ہے ان شاء اللہ عید الفطر کی نماز 6:15 میں مسجد اہل حدیث میں ہوگی और 6:30 में 6:30 मस्जिद अल हदीस खातिमुल अंबिया में ईद की नमाज अदा की जाएगी। और दोनों जगह खवातीन के लिए इंतजाम और इंसराफ है। और मदरसा के लिए ऐलान किया गया था कि आपका जो इदारा चलता है मस्जिद अल हदीस में शोबे हिफ्ज का इदारा, बहुत सारे लोगों ने तआवुन किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। मेरी गुजारिश है कि आप सभी हजरात तआवुन फरमाएं। और बच्चों के ताल्लुक से मैंने कहा था कि 20-25 बच्चे रहते हैं, अगर आप साहब इस्तेदाद है तो एक बच्चे का खर्च आप उठा लें। मिनिमम खर्च एक बच्चे का 2200 रुपया आता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप अकेले हिम्मत करें, अकेले हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो दो आदमी को दोस्त मिलकर के हिम्मत करें और अपने लिए जो है सदका जारिया का सबब बनाए। इस अहम काम में हम और आप जरूर हिस्सा लें। इन अल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल लजीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।